हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा दीवान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गरिमाज रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं चॉकलेट केक की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी होने वाला है। और मज़े की बात ये है कि आज हम इसे एग से बनाने वाले हैं। कई बार लोगों को लगता है कि एग से बनने वाले जो केक होते हैं उसमें स्मेल आती है और वो टेस्टी भी नहीं लगता है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं जिस तरीके से आपको बताने वाली हूँ रेसिपी, अगर आप वैसे ही केक बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा और एग की स्मेल भी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और उसके ऊपर एक छलनी रख दी है। तो सबसे पहले मैं इसमें मैदा डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ 1 कप और 1/4 कप मैदा लिया है, यानी टोटल 1 and 1/4 कप मैदा ले रही हूँ मैं। तो मैंने 1 कप डाल दिया है और ये 1/4 कप मैदा मैं और डाल देती हूँ इसमें। और अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कोकोआ पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोकोआ पाउडर ले लिया है और इसे भी हम मैदे के साथ डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये खाने वाला जो चम्मच होता है उसी के बराबर होती है। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून यानी चुटकी भर हम इसमें नमक डाल देंगे। और इन सबको हमें छान लेना है ताकि जो मैदा है वो काफ़ी फ्लफी उससे केक बने। तो मैं इसे विस्कर की हेल्प से घुमाते हुए इस तरीके से छानूंगी और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएंगे और दूसरा ये कि ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा मैदा। तो ये मैंने मिला लिया है। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल। तो मैंने ये ऑयल लिया है, यानी सोयाबीन का ऑयल है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं डालूंगी पाउडर शुगर। तो मैंने 2/3 कप पाउडर शुगर ले ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं बीटर की हेल्प से इसे मिक्स कर देती हूँ। बीटर से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। तो ये मैंने देखिए बीटर से इसे 2 मिनट तक चला लिया है और ये मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें एग डालूंगी। तो पहले मैं 1 अंडा ले लेती हूँ और उसे तोड़ के डाल देती हूँ। तो एक एक करके हमें अंडा डालना है, एक साथ नहीं डालना है, उसे अच्छे से बीट करना है अंडे को। मैं पहले इसे ये शुगर और ऑयल के मिश्रण में बीट कर लेती हूँ और अब मैं दूसरा अंडा डाल देती हूँ इसमें, इसे भी तोड़ लेती हूँ। और अब हमें इसको भी बीट करना है और मैंने देखिए दोनों को अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैं 2 बैचेस में इसे डालूंगी। पहले 1/2 डाल देती हूँ और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसमें दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही में मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी। तो ये 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड कर लिया है और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और हमें इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है, जिसके वजह से इसमें एयर बनेगी और हमारा केक बहुत अच्छा फूलेगा। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और इंग्रेडिएंट्स देखिए थोड़ा सा अभी थिक है, तो अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। तो मैं थोड़ा सा मिल्क डाल देती हूँ इसमें और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से घुमाते हुए। और कट एंड फोल्ड के मेथड से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कट एंड फोल्ड करते हैं। ये देखिए इसे फोल्ड किया और कट कर दिया। तो इस तरीके से करने से हमारा जो बैटर है बहुत अच्छा बनता है और केक भी इससे बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसी मेथड से इसे मिक्स करेंगे तो हमारा केक बहुत परफेक्ट बनेगा। तो मुझे ये जो अभी मिक्सचर है थोड़ा और थिक लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और पतला कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा और दूध डाल दूंगी और इसमें हमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं थोड़ा सा और दूध डाल देती हूँ
और टोटल देखा जाए तो हमने 3 टेबल स्पून तक मिल्क ऐड किया है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम यहाँ पर मैंने इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो काजू बादाम अखरोट और पिस्ता है, उसे मैंने चॉप कर लिया है और अब हम इसे केक के बैटर में डालेंगे। तो ये तले में ना बैठ जाए इसके लिए हमें इसमें मैदा डालना है। तो मैंने 1/2 टी में मैदा ऐड कर लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये सूखा मैदा है तो इसे मैं डाल देती हूँ केक के बैटर में। डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स ना डालें वरना ये नीचे बैठ जाएंगे। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और अब हमारा केक का बैटर बनके रेडी है। तो हम जिसमें केक बनाना है उस केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो मैं तो बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा के फिर से ऑयल लगा दूँगी तो ये रेडी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल और मैदे से इसे ग्रीस कर सकते हैं। और मेरा ये रेडी हो चुका है केक टिन, तो मैं इसमें ये केक का बैटर डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने सारा बैटर अच्छे से डाल दिया है इसमें और अब मैं ऊपर से इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देती हूँ गार्निशिंग के लिए। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं आज इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। अगर आप डेकोरेट ना करें तो आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को ऊपर डाल दीजिए, उससे भी केक बहुत सुंदर लगता है। तो इसे 2-3 बार टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ इसमें से। और अब मैं इसे बैक करूँगी। मैंने यहाँ पर एक पतीला रख दिया है और 10 मिनट के लिए इसे गैस पर चढ़ा दिया था और साथ ही में एक रिंग कटर रख दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसके ऊपर केक टिन रख दूंगी। ये देखिए मैंने केक टिन इसके ऊपर रख दिया है और इसे हम ढक देंगे और धीमी आंच पे हमें इसे 45 से 50 मिनट तक पकाना है और इसे बीच बीच में नहीं चेक करना है, आधे घंटे बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 1/2 घंटा हो चुका है और मैं इसे चेक करती हूँ कि केक पका है या नहीं। मैंने टूथपिक इंसर्ट की है और देखिए अभी केक कच्चा है इसलिए टूथपिक पे लग रहा है। तो अब मैं इसे 50 मिनट पे चेक करती हूँ। 50 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और मैं अब इसे टूथपिक से फिर से चेक करती हूँ। ये देखिए टूथपिक इंसर्ट करने पे बिल्कुल क्लीन निकल रही है। मैंने 2 बार चेक कर लिया है और हमारा केक बनकर रेडी है। तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और 1/2 घंटे के लिए इसे हमें ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। पहले मत निकालिएगा वरना ये टूट सकता है केक, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों 1/2 घंटा हो चुका है और हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसे चाकू की सहायता से साइड से इसके छुड़ा लेती हूँ और एक चॉपिंग बोर्ड इसके ऊपर रख के इसे पलट देंगे और इसे निकालेंगे। ये देखिए बहुत इजीली निकल गया है क्योंकि अच्छे से मैंने इसे ठंडा होने दिया था, टैप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और केक टिन भी बिल्कुल क्लियर निकला है। अब मैं बटर पेपर इसके ऊपर से निकाल देती हूँ। वाओ ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया केक बना है, बिल्कुल मार्केट में मिलता है ये वैसा ही लग रहा है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत टेस्टी हमारा केक बन के रेडी हुआ है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर और ठंडा होने दूंगी क्योंकि अंदर से ये अभी भी गर्म होगा। तो मैं 1 घंटा इसे फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। दोस्तों मैंने 1 घंटा इसे फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसकी सबसे पहले टॉप लेयर निकाल देती हूँ जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है और हमने जो इस पर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे है वो वेस्ट नहीं होंगे। अभी जो हमने टॉप लेयर निकाली है उसका हम यूज़ करेंगे बीच में जब हम डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसे अलग रख देती हूँ और अब मैं इस केक को 2 भागों में डिवाइड कर दूँगी, यानी 2 लेयर बना दूँगी इसकी। अगर आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स भी बना सकते हैं, मैं आज 2 ही लेयर बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें धीरे धीरे काटते हुए इसकी 2 लेयर बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि केक बीच में से कितना अच्छा बना है और कितना फ्लफी जालीदार बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा। ये देखिए दोस्तों हमारा केक कितना अच्छा बना है, बिल्कुल इसमें बहुत सारी जालियाँ बनी हैं।
तो अभी मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये मैंने शुगर सिरप बनाया है। दो टेबल स्पून पानी में मैंने दो टेबल स्पून शुगर ले लिए और उसका एक सिरप बना के रेडी कर लिया है। और अब इस सिरप को हमें इन दोनों केक बेस पर अप्लाई करना है। तो मैं पहले वाले पे कर लेती हूँ इसे अच्छे से अप्लाई। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा और नरम भी हो जाएगा, और ये शुगर से बना है तो थोड़ा और ज़्यादा मीठा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा केक बहुत टेस्टी लगने वाला है। ये देखिए, अच्छे से हमें अप्लाई करना है। इसकी साइड्स वगैरह पे भी करेंगे ताकि जो सिकते वक्त थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो वो भी नरम पड़ जाए। और मैंने एक पर कर लिया है इसे अप्लाई, दूसरे पे भी अच्छे से कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको दोनों साइड से कर सकते हैं, आगे और पीछे से। मेरा केक काफ़ी अच्छा बना है सॉफ्ट, तो मैंने सिर्फ इसे आगे से ही किया है। ज़्यादा करने से और ज़्यादा नरम हो जाएगा। अब हम इस पे चॉकलेट गनाश लगाने वाले हैं। इसकी रेसिपी मैंने चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी में दी है कि किस तरीके से हम चॉकलेट गनाश बनाकर घर में रख सकते हैं। तो मैंने उसी गनाश को गर्म पानी के ऊपर रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और अब हम इसे अप्लाई करेंगे। और अगर आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। चॉकलेट आइसक्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश बनाने की रेसिपी डाली हुई है। और इसे हम अच्छे से अब फैला देंगे और एक बेस हमारा बन के रेडी है। इसके ऊपर अब मैं ये वाला चॉकलेट का दूसरा बेस लगा दूँगी और अब इसके ऊपर भी हमें चॉकलेट गनाश लगाना है। दोस्तों, हमें किसी तरह की फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चॉकलेट गनाश वाला केक बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। और अब मैंने इसे चारों तरफ फैला दिया है और फैलते फैलते ये नीचे साइड्स में भी लग गया है ताकि हम इसको आगे डेकोरेट कर सकें। और ये मैंने जो केक की टॉप लेयर निकाली थी उसका क्रम्बल करके मैंने इसे साइड्स में लगा दिया है, गनाश के ऊपर चिपका दिया है, जिससे केक दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं चारों ओर लगा देती हूँ इसे। देखिए दोस्तों, मैंने क्रम्बल्स को भी लगा दिया है और अब हम ऊपर इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने बटर पेपर को हार्ट शेप में काट लिया है, दो बटर पेपर काट लिए हैं मैंने हार्ट शेप में, और इसे इस तरीके से केक के ऊपर रख दिया है। दोस्तों, मैंने गीले गनाश पर ही इसे रख दिया था जिसकी वजह से ये चिपक गया। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि केक को थोड़ा सा सूखने के बाद ही ये प्रोसेस कीजिएगा। तो अभी मैंने इसे लगा दिया है और इसके ऊपर अब हम शुगर पाउडर की डस्टिंग करेंगे। तो एक छलनी में मैंने शुगर पाउडर ले लिया है और उससे इस तरीके से हमें डस्टिंग करना है, जिससे इस पे बहुत अच्छा हार्ट का शेप आ जाएगा। मैंने चारों तरफ इसे फैला लिया है और अब मैं इस हार्ट शेप को निकाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा केक बनकर रेडी है और मैंने कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और बहुत टेस्टी ये केक बना है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में सभी को खिलाइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारे चॉकलेट केक की रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रेसिपी में।